अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक हैं। आप सबकी भरपूर दुआओं से और सपोर्ट से अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। अभी हम जा रहे हैं जी ढोलकी पे, मैं तो राशि अकेले जा रहे हैं, बच्चे अंदर अपनी आंटियों के पास है, उनको आवाज़ गई थी, उन्होंने रोना पिटना डाल देना है, मैं छुपके से निकलती हूँ। व्हाट्सअप की पुरजोर फरमाइश पे आज हमने अपनी एक करनी है, गावन गाना है। हाँ जी, फरमाइश आई थी, चले जी, और सबकी फरमाइश पे आज मैं तैयार हो चुकी हूँ। मुझे सिस्टरों ने बहुत बेइज्जती की है फ़ोन करके, आप बुढ़ियों की तरह उठ के चली जाती हो, अपने आप को कोई अच्छा सा बनाओ। तो आज मैं थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ ढोलकी के लिए। हाँ जी, चलें चले जी। ये अभी अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, इंसानों से तो जानवर वफादार। ये देखें उसकी आंखें नज़र आ रही हैं, हमें यहाँ तक छोड़ने आया है कुत्ता। हाँ, जारी बात है उसकी, क्या रोटी डालने से कितना वफादार है जी, बहुत वफादार है। और अंदर अब हम अंदर जाएंगे वो भी चला जाएगा। शुगर मेला लगा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम मामू, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम पहुंच जाएंगे अंदर, लगे हुए हैं ढोलक छोलक रख के। अच्छा चलो जी, आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ, फंक्शन खत्म हो गया, खत्म हो गया नहीं फिर हाँ खत्म हो गया। हमारी नानी जिंदा है, हाँ जी बिल्कुल जी, मुखलिस भाई ने और मीना भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। हाँ, चलो ऑटो भाई, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, चलो खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज। दूल्हा तो इधर ही है ना, हम जा रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है। चले शुरू करें, फिर आज आप पे हो गया, क्या करूँगा, आप शुरू करें ना, आपकी मशीन इतनी बड़ी है। भाई जाए आप भी, चलिए चलेंगे, हम भी बड़े ठीक हैं, हम भी यहाँ पे बैठेंगे। और नाजिया भाभी बैठ गई हैं हमारे साथ, वो बाजी बैठी हुई हैं, भाई बैठे हैं, लोग चले गए हैं, फंक्शन खत्म हो चुका है, फंक्शन खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। आपने अगर फंक्शन करना है ढोलकी घर ले जाए और उधर बैठ कर, चलें जी बैठे जी, ये ले जी बैठ गए हम, दोनों की पड़ती है। हाँ जी, गाएं गाएं शुरू करें। हम फाटक भी नहीं पार करने आ, नहीं, 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 आ, दूसरी गली भी चले जाना, वो पत्थरों वाली नहीं, गली गली कहते दरवाजे से ना गुजरना, सड़क भी छोड़ना, नहीं
भाई हमारे दरवाजे क्या कसम का प्रदार कुछ क्यों ना छोड़ूंगा हां बेटा ये भी डर सकता है ना इसने जगह बोल ली है हां ना नहीं आ जा आ जा बाहर रास्ता बंद कर दे भी नहीं होता कोई रास्ते जैसे तो हमारे बहुत साफ बेटा मैं कुटी और मैं इसके पोशाक कर दे वो जाने हां पर शादी वाले जाने हैं हमारे प्रोग्राम जाने हां दूर हो के इधर मेरी बात सुन ले मेरी बात सुन ले इधर इधर किली लाल परांदा टंगया किली लाल परांदा टंगया जरा ते ना होएगा खबरदार को साडी गली चो लंगया नहीं राशिद भाई जी जी एक तो आप फंक्शन पे लेट हैं फंक्शन खत्म हो गया आपको ये हम बता रहे हैं ऊपर से हमें जुगता मार रहे हो ये देखे कि हम अपने मेहमानों की बात सुनो कहता है इन्होंने तो बात को काली डाल गए हो उन्होंने जो कहा गली में नहीं आना नहीं हो यार मैं शादी वाला हूँ मुझे सबको देखना पड़ता है आप शादी वाले हैं ना मेरी बात सुने चार में 11:30 बजे आऊंगा साहब सही बात है ना सही बात है ना ये देखें मेरी बात सुने वो नानी कह रहे हैं शादी वाला घर है जैसे दर करे ठीक है मैं 1 बजे आऊंगा अच्छा मेरी बात सुने ना इधर हम अहमद भाई के घर दावत खा के ठीक है सिस्टरों को घर छोड़ के तो फिर आए हैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मेहमानों को छोड़ के टाइम नहीं था तो ना आते बात सही है लेकिन क्या करें हमें खुशी है ना खुशी है नंबरदार की शादी की हाँ बात बात करें जी भाई आप है ना 2-3 दिन जो है ना वो क्या हाजिर ना लगे हाँ गैर हाजिर है ना तो हम खामोश होके बैठते हैं भाभी और आप जो है ना चाहे कत्ते गाय टप्पे गाय माये गाय डोड़े गाय सेरे गाय आप हमें सुना दें फिर आपको माफी मिलने वाली वैसे भी ना व्हाट्सएप पे ना व्हाट्सएप पे काफी पुरजोर फरमाइश आई हुई थी ना तो फिर मैंने कहा चलो जी आज चलते हैं कुछ कोई हल्ला गुल्ला थोड़ा सा वो कह रहे थे वो जो है ना एक था माड़ी मासी ने पुत्रा ठीक है ना वो कह रहे थे वो सुनाए जी मैंने कहा चलो आज कोशिश करते हैं जी जी चले बैठ जाइए बैठ जाइए और एक बात मैं और बता दूं ये देखने वाले ये ना कहें कि वो आए हैं और उन्होंने पता नहीं क्या उनके साथ खा लिया ये वैसे आपको पता है देखने वालों को ये कहते कि शौक से देखें चेंज में हो जाए बाकी ये 12 बजे हैं 1 बजे हैं जिस टाइम आए हमारी बात हमारे भाई में जो टेंशन सर आंखों पे सर आंखों पर आप लोगों के साथ हम प्रैंक कर रहे थे हमें पता है हमें पता हमारे साथ मजाक है उसकी वजह ये है अगर हम कैमरों में ये बात ना बताए तो आपको पता है फिर लोग कहेंगे ये जान बूझ के उन्होंने बिल्कुल ये जी बिल्कुल बिल्कुल ये कौन सा प्रैंक है जो मेरे भाई के माथे को देखो पसीना आ गया पसीना तो ये पसीना तो आता ही है क्या नहीं एक मन बंदे मेरी बात सुन ये तो माथे को पसीना आ गया मेरे भाई रात कौन सा प्रैंक था जब अब वो इधर 4 बजे पे कितना गुस्सा हो गया था जब वो ना जुर्माना जो लग चुका मेरे माथे के मेरे पूरे मुंह पे पसीना जुर्माना अदा करें मेहरबानी करके ठीक है बाकी मुझे पता है आपने चले जी अभी राशन भाई पहुंच चुके हैं ठीक है चले बैठ जाए सारे बैठ जाए अपने अपने कैमरे पकड़ के बैठ जाते हैं राशिद भाई के जी सुनते हैं चले जी सुनाए जनाब बाकी हम रेली सॉरी नहीं देखे हमने प्रैंक कर रहे थे थोड़ा तो ही बात हमने नहीं किया ओके आपका दरवाजा खटका खटका के हम आए हम अभी है मेरी बात है आपके पास रहे नहीं यही करना वो शोशे वाला हो गया हां जी हां वही चार में से डाटा है होश
इनका लिखा हुआ भी कोई भी नहीं पढ़ सकता। आप भी नहीं पढ़ सकते। रास्ता के ही उनकी भरा सुबह तक तेरी लाइट आ रही है। और हम मुंह करने लगे कि के पास है वाला। पता ही भैया को ईटो भी लाओ। सारे मुंह पैर रही है जान। अरे भाई आओ इधर आ जाए। ये ना बच्चे को नहीं उठाए नहीं उठाए। इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। कैमरा एक साइड पे सारे पास। आ जाए आ जाए। इधर बैठो। चलो बैठो। छोटी वीडियो बनेगी। फोकस करें। उधर चल जाओ वीडियो बन। सर आ रहा है। और समीना भाभी ने हमें जुर्माना लगा दिया है। बिल्कुल। चले जी जुर्माना अदा करते हैं। ओके। तो सारे साथ साथ तालियां भी बजाते जाएं। उर्दू में वो भाई पूछो सर। और सर निकाले हैं। मान के बाबा पूछो सर। डब्बे सुनाएं डब्बे। कौन से? पूछो सर आप पूछो। मुझे क्या हो रहा है? जेब अपनी चेक करो कोई और तबीयत लिखा। वो कोई तबीयत नहीं तबीयत लिखा था मेरी बेगम ने गैप कर। कोशिश करो। मैं गैप किया वो पड़ा हुआ था मेरे पास। कोशिश करो। पड़ा हुआ है। एक पत्थर के नीचे रखा है। नहीं सर करेगा। आपके पास नहीं है तो भाभी से पूछो भोजन में बांध दिया होगा। Oh, sticky.
एकदम से चेंज कर दी ऐसे 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 मेरे वो आप पता नहीं राग का राग है ये दो बार जाए या राग चलो ना दिया। पूछो जरा पूछो नहीं आता नहीं तो ऐसे करो ना ऐसे मैं बताता हूँ उर्दू सॉन्ग है चल जाना तो चाहिए चलो ट्रेन इधर जाते हैं हां तो और सरकार ला दिया है कि मैं आपको अपना ट्रेन चढ़ा दूं चल छैया आगे भी मैंने उर्दू में सुना दिया बैठ जाओ जबरदस्त गाना गा दी छैया तो सुनाई है ना असल में यार सीन ये है मेरी बात में तवज्जो करना है मेरी बात पे आप है ना मतलब सिंगर जी जी आप लोगों का जो है ना मतलब गाना गाना ना अलग टाइप का होता है सिंगर वाला होता है जो मतलब औरतों का गाना गाना होता है ना आप बात कर रहे थे वो मतलब सहरे टाइप होता है उनके गाने को सहरे टाइप ले हां सहरे टाइप ले जाते हैं कहते हैं कि इनके शहर में लुत्फ आता है हाँ। लेकिन इस तरह जो है ना फिर वो जैसे और दूसरा ये कि जैसे ना रो रही हूँ समझ नहीं आता समझ जैसे बैंड करके ना इस तरह का बिल्कुल ऐसा ही होता है फिर ऐसा करने और मैं मरा खुशी के मौके पर रोना नहीं चाहिए रोना नहीं चाहिए ये बात फिर आप ऐसा करें ना वो फिर उनको रहने दे मुझे बताए राशिद भाई आपने सुना लिया कोई और है तो सुनाए अभी और कोई नहीं है काली काली वाला और इसके बाद में भी तैयारी करके आएंगे थोड़ी सी सब एक ना सब सब ने एक एक कथा सुनाना है ठीक है ऐसे सुना दे जाए उधर से शुरू करो ना भाई ये कथा क्या होता है यार कथा पहले बताया हमें होता क्या है टप्पे कथा क्या होता है ये तो बताएं कथा का तो पता चले कथा बताओ ये कथा है जी कथा है अंधारी रात शुकाटे दिकोए अच्छा या कौन जाने खेड़ गन पुरलाटे दिकोए तू क्या पूछ दी अकरम ते कू क्या दसावा गरीब दा मुंह चमाटे दिकोए ये कथा होता है तीन दिन वाला कथा होता है दो बेस्ट वही होता है तीन वाला वो जो उस दिन दो आई थी वो उसमें कुछ गजब भी थी वो जो कहा मैंने वीडियो भी देखी थी जो उर्दू में गजल कहते हैं जो क्लासिकल होती है ना क्लासिकल जो होती है उसको वो गजल होती है अब कत्ते की समझ आ गई है चमाटे की समझ आ गई है फिर लगा के बताएं चमाटा वो नहीं ऐसे बोलते उड़ती कूं जाइए तवज्जो मुखलिस उड़ती कूं जाइए असां थक पे कहीं बेदे घर भी गई जेड़े मस्त थी वे दिन बखता विच कदी उन्ने दी खबर भी नहीं कर कदी हिक दरते कदी बे दरते
मुझे आता नहीं। आप लाइट चला रहे हैं? अभी जो है ना आप लाइट चला रहे हैं, मेरी तरह हमारी लाइन में आ रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, और करें अपना आपको आता है भाभी? माँ याद हो सकता है, थोड़ा आता है नहीं आता अपना? ओ हेलो हेलो, आपको आपको क्या चीज़ आती है ये? अच्छा एक बात की मुझे समझ नहीं आई, वो कह रहा बात उधर मैं बताता हूँ, कैमरे में बताने वाली नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट किया है, अभी फंक्शन माशाल्लाह चल रहा है, सारे लोग मौजूद हैं। क्या आपको पता है मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए ही फंक्शन पे आता हूँ, कि मुझे ना एक सेहरा है वो मुझे बहुत पसंद आता है और आपको भी बहुत पसंद आता है, तो मैं वो आपको सुनाता हूँ और मेरे साथ भी देंगे ये लोग सारे इंशाल्लाह ताला। राशिद भाई भी आ चुके हैं और अभी नबीला भी आ चुकी है, इसके साथ जो है मानी भी है और सारे माशाल्लाह जैसे हैं वो अकरम और वो मनारे वाले के लिए है। उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने कहा आप थोड़ी देर आए तो फिर वो चले गए। अच्छा चले ठीक है जी, अभी अभी पहले कह रहे थे कि हम आगे लगवाने आए हैं, ये वो चले गए। अच्छा अच्छा चले जी, अब हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। जीवे घोट पिया का है वो उभा, सॉरी और जो मगरब है वो है क्वार। क्वार। क्वार।
पाकिस्तान ओके जी, हम भी अपनी वीडियो का जो है एंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा प्रोग्राम जो था जी मैंने जैसे आप आए हैं उस टाइम यानी कि स्टार्ट होने वाला था, कोई नहीं उसको सर परहेज में रख दे हो जाएगा। असल में वो जो है ना निशान पे हमको बोल रहा है कि आप जो है ना पता नहीं आप क्या बोल रहा है कुछ बोल रहा है क्या बोल रहे हैं कुछ नए कैमरे सामने बोल सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है ना आपने उसको इशारा किया क्या है क्या है, हंस रही है तो हंस करनी चाहिए वहाँ पे आपको फिर तो समझ नहीं जैसे पहले वो कोई पता भाई हेलो पानी लेके आए पानी लेके आए जल्दी करें सांस जो है ना अचानक ऐसे बंद हो गई हर चीज काम करना छोड़ दी अभी कुछ बेहतर है सांस का मसला है ना भाई अब कुछ बेहतर है वो मतलब जोर नहीं लगा सकते ना सांस चल जा पिया बहुत और डिप्रेशन का मरीज और सांस का ना मैं मेरे पास प्रॉब्लम जैसे मुझे नहीं है मैं ठीक ठाक हूं मैं भी इस तरह की गुदाम से करता तो मुझे बेहतर सांस चढ़ जाएगा ये बहुत ताकत लगती है सांस में बहुत ताकत लगती है आप ठीक महसूस हो रहा है आपको क्या आप सही है नहीं नहीं बस नहीं है सांस चढ़ जाती है ना सांस फूल जाती है ना खुशी में फूल तो होता है पता है कि हम इधर शादी पे आए और इन्होंने हमारे साथ जो है ना ढोलकी पे वो जो भी है शादी है ना शादी शुरू है ना ठीक है ना और जितना भी इन्होंने किया हमारे साथ वो प्रैंक किया मजाक किया है कोई सीरियस बात नहीं है ठीक है जी हम दिल पे बिल्कुल नहीं लेते बिल्कुल जी जी जब भी आपको देखते है ना फिर हम ऐसे राशन भाई मेरी तरह मैं आपकी तरह नहीं हूँ आप सबसे थोड़ा सा बेहतर हूँ ये देख ले थोड़ा सा बेहतर हूँ जितना भी है ना इस पे पसीना ही आ जाता है जी ठीक है बहुत शुक्रिया जी जी बिल्कुल ठीक है जी सब बहन भाइयों से अल्लाह हाफिज पाकिस्तान सब बहन भाई अल्लाह हाफिज़।